तो हेलो गाइस, कैसे हो सबके सब। स्वागत है आपका एक GTA 5 की वीडियो में। अब लास्ट वाले एपिसोड में क्या हुआ था एक बार मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। लास्ट वाले एपिसोड में देखो, वो जो रिच मैन था ना, जिसको हम लोग किडनैप करके लेकर के आए थे, उसने हमें एक लोकेशन के बारे में बताया था। हम लोग वहाँ पर गए थे, उसके बाद वहाँ से हम लोग ब्रीफ केस लेकर के आ गए थे। बाद पे भाई लास्ट वाले वीडियो में तो ऐसा कुछ सीन हो गया कि वो जो अपना बॉडी बिल्डर है, वो कह रहा था कि मैं इससे गले मिलूंगा, जितना भी गुस्सा सारा का सारा हम लोग क्लियर कर देंगे। ठीक है, इतनी बात थी, आप लोगों के सामने ही थी भाई जो भी थी। तो मेरे को भी लगा कि ये सही में सच बोल रहा है। और बॉडीगार्ड ने पता नहीं भाई पिस्टल कहाँ से उठा ली, मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आया। बाद में वो गया पानी के पास, जो कि मैं ड्राइव करके उनको खुद लेकर के गया था, हम तीनों ही गए थे वहाँ पर। पहले तो उस बंदे ने उसको हक करा, बाद में भाई उस रिच मैन के मत्थे पे बॉडी बिल्डर ने गोली बजा दी। अब मेरे को कुछ भी समझ नहीं आया भाई उसने ऐसा क्यों करा, लेकिन वो कह रहा था कि जो मेरे से दुश्मनी लेता है मैं उसका हाल ऐसे ही कर देता हूँ। फिलहाल तो इस टाइम पर ना हमें भी उससे थोड़ा सा बच करके रहने की ज़रूरत है। देखो, काम अपने साथ ही कर रहा है, कम बोलता है, और उसने तो ऐसा काम भी कर दिया खतरनाक वाला। मैं शरीफ समझ रहा था भाई, वो शरीफ नहीं है। तो चलो यार, फिलहाल तो इस टाइम पर ना लेस्टर ने कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह निकलवाई है। किसकी निकलवाई है मैं बता देता हूँ, अपने डगन बॉस की और अन्ना की, और वो जो अंडरवर्ल्ड माफिया है, इन तीनों की लोकेशन निकलवाई है। अभी थोड़ा बहुत पता चल रहा है कि नहीं चला, वो तो मेरे को बिल्कुल भी मालूम नहीं है, क्योंकि वो जो सामने की साइड बंदा देख रहे हो, वो लेस्टर का ही कोई बंदा है। लेस्टर ने अभी मेरे सामने उसको पैसे दिए हैं, उसने लेस्टर को शायद से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई होगी। तो बस यार, इस जगह पर मैं और लेस्टर आए थे। लेस्टर कह रहा है कि माइकल तू पूरी नज़र रखना, क्योंकि ना गाइस रिस्की काम है, अपनी लड़ाई बहुत ज़्यादा तगड़े तगड़े बंदों से चल रही है, जिस करके यार वो कभी भी अपने ऊपर रैंडम सा अटैक करवा सकते हैं, जिस करके हमें ना अलर्ट रहना है। तो चलो यार, जल्दी से ना 2000 सब्सक्राइबर्स के हम लोग क्लोज रह गए, मतलब 2000 कर दो, क्लोज तो नहीं रह गए, हम लोग 5 लाख के क्लोज हैं। अब अगर आप लोग जल्दी सब्सक्राइब कर दोगे ना, जो 2000 सब्सक्राइबर्स रह गए हैं, तो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे अपने 5 लाख की इनसेन फैमिली। तो जल्दी से जा करके अभी के अभी सबके सब सब्सक्राइब कर दो और एम को कंप्लीट करवा लो। बाकी मैं लाइक एम नहीं रखने वाला, अपनी मर्जी से जो भी लाइक करना है वो कर दो। फिलहाल अब जल्दी से ना एक बार मैं इनके पास तो आ गया हूँ, और निकली क्या कोई इन्फॉर्मेशन, मेरे को लग तो बिल्कुल भी कुछ नहीं रहा। एक बार लेस्टर से बातचीत करके देखते हैं, फिर बताता हूँ आप सबको। चलो यार, इस टाइम पर लेस्टर ने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है, वो भी करी है अन्ना की। देखो गाइस, वो ना एक आइलैंड पर छुपा हुआ है। बाकी ये जो बंदा ना पीछे, यार ये तो मुंह खोलता ही नहीं है। अभी हमने ना इसको 2 बंडल देख रहे हो यहाँ पर डॉलर्स के दिए। एक बार मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखो। अब ये कह रहा है कि इतने पैसे में ना मैं इतनी ही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकता हूँ, बाकी दिमाग तो मेरा पूरा ख़राब हो रहा है यार। अब अकेले का भी काम है, इसने अपने को आइलैंड की लोकेशन दिया है और आइलैंड के बारे में थोड़ा बहुत बताया है। बाकी कह रहा है कि अगर और पैसे दोगे तो मैं बाद में काम करके और तुम्हें इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करवा दूंगा बाद में। यार देखो, करवा ही लेंगे हम लोग, फिलहाल तो आज ना हम लोग आइलैंड जाने वाले हैं। बाकी यहाँ पर ना इसने एक पिस्टल रखी है, मैंने इसको बोला था मजाक में कि भाई अपने जो पैसे है ना अपनी जेब में रख ले, या तो गाड़ी के अंदर डाल ले। कह रहा है कि ऐसे मेरे को कौन हाथ लगा देगा। भाई ये एक पुलिस वाला बंदा है, अब पुलिस वाले भाई धोखा कर रहे हैं, मतलब अंदर की इन्फॉर्मेशन बाहर लीक करवा रहे हैं। देखो गाइस, पुलिस को पता भी है कि जो बड़े बड़े गैंगस्टर्स हैं ना, जैसे कि डगन हो गया और अन्ना, ये लोग कहां पर हैं। लेकिन यार पुलिस पता नहीं क्यों इनको कुछ बोलती नहीं है, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वो लोग शायद से ना पुलिस को पैसा खिला देते हैं, या तो उनकी ज़्यादा ही तगड़ी बातचीत है। आप लोग भी गाइस कमेंट्स में एक बार जरूर से बताना कि पुलिस को सब कुछ पता है लेकिन वो इनको कुछ भी नहीं बोलती है। तो फिलहाल हम लोग ना इधर से अपनी गाड़ी को लेकर के निकलते हैं सीधा उस आइलैंड की, अपने को तैयारी करनी है। देखो गाइस, अपने को ना जैसे तैसे, मैं सोच रहा हूँ ना आज के आज डगन को या तो अन्ना को किसी एक को मार गिराना होगा, क्योंकि ना अपने जो दुश्मन है वो भी बहुत ज़्यादा है। अंडरवर्ल्ड माफिया के बारे में तो आपको पता ही है, और डगन है और साथ ही साथ एक और अन्ना, यार ये दोनों का जब से कोलैब हुआ है तब से पूरा दिमाग खराब हो गया है। तो जल्दी से ना, ये लेस्टर कह रहा है कि ना अपने बंकर पर लगा, अपने टीम को थोड़ा बहुत इकट्ठा करते हैं, प्लान वगैरह डिस्कस करते हैं, और उसके बाद फिर देखते हैं कि कौन कौन जाएगा उस आइलैंड पर। तो भाई मज़ा बहुत ज़्यादा आने वाला है मेरे को आइलैंड पर जाने में, एक्सप्लोर करने में। तो भगाता हूँ गाड़ी को, चलते हैं सीधा अपने बंकर की साइड। फिलहाल तो गाइस इस टाइम पर ना मैं और लेस्टर अपनी गाड़ी को लेकर के पहुँच गए हैं सीधा अपने बंकर के बहुत ज़्यादा क्लोज,
और देखो गाइस अभी अभी लेस्टर ने ना ट्रेवर को कॉल करा था और ट्रेवर को कॉल करके बोला कि ट्रेवर जल्दी से ना ट्रक का जुगाड़ कर और बंकर आ जा। तो ट्रेवर को पता ही है यार ट्रक्स की नॉलेज बहुत ज़्यादा है, तो वो शायद से बंकर आ गया होगा क्योंकि ना हमें 10 से 15 मिनट हो गए हैं यहाँ पर आते आते। और एक मिनट, अबे भाई आपकी नज़र पड़ी क्या बंकर के ऊपर? ओ भाई ये क्या, अरे यार एक मिनट, ये अपना बॉडी बिल्डर है और ट्रेवर नज़र आ रहा है मेरे को। रुको, मेरे को ना जल्दी से चलना पड़ेगा ऊपर की साइड। एक तो ना ये जो बॉडी बिल्डर है ना भाई, खुद ही लीडर बन रहा है यार अपनी टीम में आकर के। मेरे को लगता इसको पीट दूं क्या भाई, आज ही पकड़ के गेम बजा देंगे, देखा जाएगा। लेकिन एक मिनट, नहीं ये फ्रैंकलिन से फाइट नहीं कर रहा है, फ्रैंकलिन इसको रोक रहा है। अबे अरे यार मैं समझ चुका हूँ, ट्रेवर उसको चिढ़ा रहा है, बॉडीगार्ड कह रहा है कि ये मेरे से मार खा लेगा अभी के अभी, और फ्रैंकलिन बीच में इनकी ना फाइट को कंट्रोल कर रहा है। अबे तू भी कम थोड़ी है, तू भी बहुत ज़्यादा फेंकू है यार ये बड़े वाला। भाई चुप कर भाई, अरे यार तुम लोग भी बस करोगे अब। चलो गाइस यहाँ पर बातचीत तो सबसे हो चुकी है, ट्रेवर और बॉडी बिल्डर फाइट कर रहे थे, फ्रैंकलिन उनको कंट्रोल कर रहा था, ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। ट्रेवर कह रहा था कि तेरी जितनी बॉडी है ना एक थप्पड़ में तेरे को मैं नीचे गिरा दूंगा। तो ये कह रहा अगर तेरे को कोई भी डाउट है तो एक थप्पड़ मार, मैं तेरे को एक उंगली से गिरा दूंगा। बस इनका यही सब चल रहा था फिलहाल। अब बात आती है मिशन की, बात कुछ ऐसी है, लेस्टर ने ना देखो गाइस ट्रेवर से मंगाया है ये वाला ट्रक, क्योंकि ना ये ट्रक अपने काम आने वाला है एक रॉबरी के। आज हम लोग ना एक प्लेन की रॉबरी करने वाले हैं जो कि एक डोडो प्लेन होने वाला है। मतलब अगर आपको नहीं पता, डोडो एक प्लेन का नेम है और ऐसा प्लेन है जो पानी के ऊपर भी लैंड हो सकता है, नॉर्मल प्लेन नहीं है। हमें ना गाइस आइलैंड पर जाना है और आइलैंड के 90% आसपास पानी होता है, और जो पानी के बीच में एक लैंड होती है उसी को तो आइलैंड बोलते हैं भाई, मैं भी क्या पागल हूँ। और वहाँ पर जा करके ना हमें उस प्लेन को लैंड करवाना होगा, और अपने साथ जाएगा फ्रैंकलिन, ट्रेवर और मैं, हम तीनों लोग जाने वाले हैं। लेकिन फिलहाल अभी ये जो बॉडी बिल्डर है ना पीछे खड़ा, ये और मैं, हम दोनों लोग जाने वाले हैं एक डोडो प्लेन को चुराने के लिए। तो मैं तो पूरा रेडी हूँ और देखा जाएगा भाई जैसा भी सीन है। और इसको एक बार नज़र मार करके यहाँ पर चेक करो, ये यार ऊंचाई देख रहा है कितना ऊंचा है, अगर मैं यहाँ से गिरूंगा तो कितनी हड्डी मेरी टूटेंगी यार। पागल है क्या भाई, उठ जा यार, ये नहीं उठने वाला भाई सही में। अगर ट्रेवर उठ गया ना, उठ करके मेरे को ये नीचे फेंक देगा। तो ठीक है, इस टाइम पर ना हमें निकलना होगा डोडो प्लेन चुराने के लिए, और वो जो प्लेन हमें चुराना है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की एक जगह है, वहाँ से चुराना होगा। तो अरे भाई ये पीछे की साइड ही बैठ चुका है, आगे जगह थी लेकिन इसको ना ऐसा मजा चखाने वाला हूँ ना मैं, आप लोग भी देखना ये भी याद रखेगा। गिरा दूँ क्या मैं इसको भाई? 2 मिनट लगेंगे नीचे गिरने में, कुछ ज़्यादा चौड़ मार करके पीछे की साइड बैठ चुका है, और पूरा ना ड्रिफ्ट वगैरह मार करके चलूंगा। और सामने की साइड से एक ट्रक आ रहा है, रुको अबे भाई ये टक्कर ना मार दे बस बीच में। चलो बहुत ज़्यादा सही, पूरी ड्रिफ्ट वगैरह मार करके ना अपना ये जो ट्रक है ये आगे की साइड बढ़ता जा रहा है। बाकी गाइस अपने को ना एक सप्रेस्ड पिस्टल लेनी होगी, क्योंकि ना हम लोग आइलैंड पर जब जाएंगे वहाँ पर ना अगर बाई चांस सोच करके देखो डगन या तो कोई दिख गया तो हम लोग उसके सप्रेस्ड पिस्टल बजा देंगे। अरे यार मैंने रोकने की ट्राई करी लेकिन इतना ज़्यादा कमज़ोर है ना ये, खुद ही टूट जाता है। तो सीधा ना इस टाइम पर मैं पहले एक एमुनिशन की शॉप पर चलने वाला हूँ, वहाँ पर चल करके 3 पिस्टल ले लेंगे, मेरे लिए, फ्रैंकलिन के लिए और ट्रेवर के लिए। पुरानी टीम वापस से हो गई है यार साथ में। वैसे ना हम लोग अब कम मिशन पर जाते हैं, लेकिन आपके भी मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े थे कि ट्रेवर और फ्रैंकलिन को भी मिशन पर लेकर के जाया करो। तो ठीक है, आज लेस्टर ने एक डिसीजन तो बना ही दिया है, हम लोगों को फॉलो करना ही पड़ेगा अब। अरे 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 भाई कुछ ज़्यादा ड्रिफ्टिंग लग गई है, देख रहे हो पूरी हर रोड खा ली है, और भगाने में इस ट्रक को मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो चलो गाइस इस टाइम पर ना मैं इस ट्रक को भगा करके कोई नज़दीकी एमुनेशन शॉप पर चलता हूँ। लेकिन एक मिनट, अरे अरे भाई बच गया, इतना सा क्लोज से निकला हूँ मैं। चलो गाइस इस टाइम पर ना मैं हूँ शैंडी शोर्स में, क्योंकि वो जो अपना सीक्रेट बंकर है ना वो भाई शैंडी शोर्स के बहुत ज़्यादा क्लोज है, और लेस्टर ने भी बोल दिया था कि एमुनेशन की शॉप ना एक शैंडी शोर्स के अंदर भी है। तो फिलहाल हम लोग ना उस शॉप के बहुत ज़्यादा क्लोज तो पहुँच चुके हैं, और यहीं कहीं होनी चाहिए यार। फाइनली मेरे को नज़र आ चुकी है एमुनेशन की शॉप, तो जल्दी से ना यहाँ पर अपने ट्रक को मैंने कर दिया है पार्क। और आ जा भाई, अब अंदर की साइड चल करके ना हमें एक सप्रेस्ड पिस्टल, एक तो नहीं मतलब 3 तो चाहिए ही चाहिए होंगे। और अरे सर क्या हाल चाल है सर आपका, अपने को ना बस एक सप्रेस्ड पिस्टल दिखा दो।
ये भी सही है, लेकिन सप्रेस्ड, अरे यार वो वाली कह रहा है कि इस पे सेल लगी है, ये जो खतरनाक वाली गन्स देख रहे हो ये सब ले लो, यहाँ पर ये जो आरपीजी है इसको ले लो, और ये ग्रेनेड लॉन्चर है कह रहा है कि इसको ले लो, मशीन गन पे भी डील चल रही है ठीक ठाक सी, और ये भाई खतरनाक सी रेल गन है। नहीं यार इतना तो नहीं बजट अपना अभी के लिए, अपने को बस एक पिस्टल चाहिए, ये सप्रेस्ड है क्या, विंटेज पिस्टल है, पिस्टल SNS पिस्टल, हैवी स्नाइपर, अरे भाई राइफल पे कहीं चला गया हूँ मैं, अबे टीजर गन भी तो सही रहेगी ना, मतलब स्टन गन भी मैं ले सकता हूँ, लेकिन ये जान से बंदे को नहीं मारती है, अपने को तगड़ी गन चाहिए जिससे मैं बंदे की गेम बजा दूँ। रुको यार एक ना ये वाली गन लेते हैं, एपी पिस्टल, मेरे को लग रहा है कि ये साइलेंट है, और एक बार इन सर से भी पूछ लेते हैं। चलो गाइस इस टाइम पर मैंने 3 सप्रेस्ड पिस्टल तो ले ली हैं, और यहाँ पर मैं एक बार आपको इनको चला कर भी दिखा देता हूँ, और ये अपने हाथ में है जिसके अंदर ना एक गोली शूट नहीं करेगी, ये एक ही बार में ना पूरी मैगजीन को शूट करेगी। यहाँ पर कुछ चेयर्स हैं, रुको भाई वहाँ पर चल करके ना एक बार मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ, ये देख रहे हो क्या तगड़ी है, मतलब खतरनाक तो है, साइलेंट है ना भाई, पूरा ना बंदे को मार करके रख देगी। अब जल्दी से ना हम लोग इसके अंदर बैठते हैं और इस ट्रक को लेकर के चलते हैं सीधा पहले रॉबरी करने के लिए। चलो यार इस टाइम पर हम दोनों लोग तो ट्रक के अंदर बैठ चुके हैं, अब अपने को जाना है उस प्लेन की रॉबरी वगैरह करने के लिए। अपने पास हथियार तो पहले ही थे नॉर्मल से AR गन, लेकिन इस टाइम पर साइलेंट गन नहीं थी, अब आ चुकी है। अब हम लोग ना बिना डरे उस आइलैंड पर जा करके हेडशॉट की ट्राई करेंगे डगन या अन्ना के मारने की। तो चलो अब भगाता हूं अपने इस ट्रक को और चलते हैं डोडो प्लेन को चुराने के लिए। चलो गाइस इस टाइम पर मैं और ये जो बॉडी बिल्डर है अपना, हम दोनों लोग ना पहुंच चुके हैं उस इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले एरिया पर, और मैं आपको बता दूं ये कोई नॉर्मल इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला एरिया नहीं है, ये अंडर आता है पुलिस वालों के। जो भी पुलिस को या मिलिट्री को कोई खतरनाक सा व्हीकल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवाना होता है तो ये उनका डिपार्टमेंट है। एक तो होता है ना कि कोई भी खोल सकता है अपनी मर्जी का पर्सनल लाइसेंस वगैरह लेकर के, लेकिन नहीं ये खुद ही सरकार का है तो दिक्कत हो सकती है अपने को तगड़े वाली। एक बार ना मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, अरे यार ट्रेन को भी अभी आना था क्या। और यहाँ पर देखो गाइस ये जो एक डोडो प्लेन खड़ा है ना, ऐसे ही एक प्लेन है जो पानी में भी चल सकता है, अपने को इन्हीं में से एक प्लेन को चुराना होगा। और ये जो इस टाइम पर खड़ा है, या तो ये पूरा खराब हो चुका है या तो ये नकली एक डमी है जिस करके इसको सजावट के लिए खड़ा है। और पीछे के साइड एक बार नजर मार करके देखो भाई, ये है वो तगड़ी सी बिल्डिंग जिसके अंदर तो अपने को नहीं जाना है, लेकिन अंदर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होने वाली है। और वो रहा सामने के साइड एक गेट, अपने को ना गाइस उस गेट को जैसे जैसे तोड़ना होगा, तभी लेस्टर ने अपने को ये ट्रक दिलवाया है ड्राइवर की मदद से। तो ठीक है पहले ना हम लोग नॉर्मल तरीके से जा करके वहाँ पर बातचीत करके देखेंगे, अगर अपने को अंदर जाने की परमिशन मिली उसके बाद तो सही है, हम लोग डायरेक्ट अंदर जाएंगे और जो अपनी सप्रेस्ड पिस्टल है उससे फाइट करेंगे। तो ठीक है बाकी हम लोग ना बिल्कुल यहाँ पर तो पहुँच ही चुके हैं, अब उतरता हूँ और एक बार ना इनसे चल करके मैं बातचीत करता हूँ कि अपने को अंदर जाने दो सर, हमें ना डोडो प्लेन के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन चाहिए। फिलहाल तो गाइस इस टाइम पर देख रहे हो भाई इसने मना कर दिया है, कह रहा है कि तुम चुपचाप यहाँ से निकल दो, नहीं तो अभी बहुत ज़्यादा गंदा तुम्हें मैं मार दूंगा भाई, क्योंकि ना ये एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ पर आना मना है सबको, कोई भी नहीं आ सकता इधर। तो चलो गाइस अब जल्दी से ना हम लोग यहाँ से अपने ट्रक को ना थोड़ा बहुत पीछे लेकर के चलते हैं, और अब सीधे मुँह तो हमने बात कर ली, ये लोग माने नहीं, ठीक है अब अपने को ना अपना गुस्सा दिखाना पड़ेगा, बस पूरी ना मैं इसको सीध में खड़े कर लूँ। वो रहा गेट, ठीक है ठीक, अरे यार यहाँ नहीं फंसना अपने को, देखो यार टक्कर तगड़े वाली होगी तो गेट भी पक्का गिरेगा और गोली बारी शुरू हो जाएगी। तो चलो गाइस इस टाइम पर ना हम दोनों लोग तो रेडी हैं यहाँ पर, और गेट अपने सामने की साइड है, बंदे भी अपने को दो नज़र आ रहे हैं, तो चलो देखा जाएगा भाई जो भी होगा, सीधा ना चल करके इनके चल करके ट्रक बचाते हैं। जैसे तैसे गाइस गेट को तो मैंने ना टक्कर मार करके नीचे के साइड गिरा दिया है, और ये क्या सीन हो रहा है भाई, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा ही बंदे हैं, अपना ट्रक फट सकता है यार। देखो यार जैसे जैसे ना हम लोग अंदर की साइड तो एंटर हो चुके हैं, और जो अपना ट्रक है गाइस वो हो चुका है ब्लास्ट, वो तो शुक्र करो हमने सही टाइम पर इस ट्रक से जंप कर दी। और आने दो भाई आने दो, तुम्हारे ना बहुत ज्यादा गंदा पड़ने वाला है, बॉडी गार्ड भी संभाल रहा है, मैं भी संभाल रहा हूँ, और अपना जो बॉडी गार्ड है ना उसको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है भाई,
बिना फेस्ट के ही आ जाता है। और यहाँ पर कुछ बंदे लगे हुए हैं इसको रिपेयर करने में। रुको रुको रुको, चल निकल इधर से। ठीक है, इनको तो मैंने बचा दिया। और अब बिना देख रहे इतनी ज़्यादा लाशें मैंने बिछा दी हैं। गन इनके पास मशीन गन है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग गन है। और है क्या कोई बंदूक की आवाज़? अरे भाई बंदा आ रहा है, एक मिनट आने दो इसको, आने दो। और चल निकल इधर से। ठीक है, इसको भी बचा दिया तुम्हारे भाई ने। चल भाई मर जा। और यहाँ पर देख रहे हो गाइस कितने ज्यादा डोडो प्लेन्स हैं। पूरी एक तरह से ना इनकी फैक्ट्री ही है डोडो प्लेन्स की। ये लोग यहाँ पर ये बनाते हैं और यहीं से इनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवाते हैं सामान लोड करवा करके। मरो ना वर्कर्स भाई, अपना बेचारे काम कर रहे थे। नहीं यार, अरे भाई बंदा आ रहा पीछे से, बचा दिया इसको तो बहुत ज़्यादा सही। और है क्या कोई? अरे नहीं, इसको तो मैंने मजे मजे में ब्लास्ट कर दिया। देखो गाइस यार, बंदे ना सामने से और भी ज़्यादा आ रहे हैं। और एक आधे तो ऊपर से कूद करके आ रहे थे, उनको तो बचा दिया तुम्हारे भाई ने जैसे तैसे। तो अभी ना अपने को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है और हम लोग ना पहले कवर में आ जाते हैं। और एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बहुत ज़्यादा बंदे हैं पीछे की साइड और इनको ना एक एक करके बजाना पड़ेगा। ठीक है, इस टाइम तो बजा दिया है। देखो गाइस, अभी तो ना सिक्योरिटी ही आ रही है, लेकिन अचानक से ना अभी पुलिस भी आ सकती है। तो अपने को ना जल्दी करना होगा जो भी करना है। चल बेटा निकल इधर से। और यहाँ पर भी एक बंदा है, अबे मर जा ना। ठीक है, इसको भी बजा दिया है। चलो इस टाइम पर फिलहाल मैंने ना जो हमारे क्लोज थे बंदे उनकी तो गेम बजा ही दी है, लेकिन आगे की साइड से और भी ज़्यादा बंदे आने हैं। रुको, अपनी स्नाइपर को मैंने निकाल लिया है। और है क्या कोई? आ जाओ जिसमें भी था मैं, आ जाओ बेटा, तुम्हारे रख के ऐसा बजा दूंगा ना मैं। नहीं, अब कोई भी नहीं है मेरे को लग रहा है, लेकिन किसी के बोलने की आवाज़ तो आ रही है यार मेरे को। बाकी प्लेन्स बहुत ज़्यादा हैं। देखो गाइस, ये जो प्लेन्स है ना, ये यहीं पर मिलते हैं और कहीं पर भी नहीं मिलते, इस करके अपने को ये सब करना पड़ा। लेकिन कोई सा है भाई, किसी की तो चिल्लाने की आवाज़ आ ही रही है। कहाँ है भाई, नीचे क्या? ओ भाई ये रहा बंदा, यहाँ पर भाई बंदे छुपे हुए हैं यार। जैसे तैसे तुम्हारे भाई ने एक के तो बचा दिया है। और ये अपना बॉडी बिल्डर कहाँ पर गया? बंदे आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आने दो भाई, देखा जाएगा। और तू भी ना भाई अलर्ट रहे। अबे भाई नीचे ना गिर जाना। अबे 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 यार रुको रुको, पहले ना मैं बंदों को क्लियर कर दूँ। बॉडी बिल्डर कह रहा है कि दो तीन बंदे ना आगे की साइड हो सकते हैं। तो चलो दिक्कत किस बात की है, पहले ना इनकी चल के गेम बजा देते हैं। यहाँ पर है क्या कोई? नहीं, एक मिनट। ओ भाई जिस चीज़ का डर था यहाँ पर वो चीज़ आ चुकी है। पहले मैं अपना मास्क लगा लेता हूँ यहाँ पर छुप करके। ओके, तो गाइस इस टाइम पर ना तुम्हारे भाई ने मास्क तो डाल लिया इधर। और अभी डोडो प्लेन हम लोग ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकते गाइस, अभी हमें ना उसकी अच्छी खासी नॉलेज ही नहीं है। अभी ये देखना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा वाला डोडो प्लेन रिपेयर है, कौन सा नहीं है। बाकी ये तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरे को लग रहा है ना ये जो नीचे की साइड है ना, अपने को अभी दो तीन चला करके देखने पड़ेंगे। बाकी यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर है यार, शुक्र करो हमने मास्क डाल लिया, नहीं तो ये लोग अपने को पहचान लेते। चलो ना निकलो इधर से, एक के बजा दिया। बाकी यहाँ से ना मेरे को आवाज़ आ रही है, पता नहीं यार यहाँ से कहीं से तो आ रही है। बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपने जो बॉडी बिल्डर है कह रहा है कि अब हमें ना भी निकलना होगा, लेकिन एक मिनट एक मिनट, पहले ना इसकी गेम बजाते हैं यार। ये कुछ ज़्यादा दिमाग ख़राब कर रहा है। मर जा भाई, मर जा मर जा। अरे भाई कितना मैं इसको मार रहा हूँ भाई, मरने पर नहीं आ रहा है। और फाइनली इस टाइम पर जैसे तैसे तुम्हारे भाई ने इसको डाउन तो मैक्सिमम कर दिया है। और यहाँ पर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। अबे भाई भाग इधर से। अरे भाई ये क्या सीन हो गया था यार, बच गया वो तो शुक्र करो अपना बॉडी बिल्डर यार। अपना हेलीकॉप्टर तो उनका टूटा, अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं था। रुको रुको रुको, एक आधा ना मैं पहले पुलिस वाला बचा देता हूँ, फिर हम लोग ना फ्री माइंड हो जाएंगे। कोई है नीचे की साइड? अरे यार ये जो बंदे हैं ना गाड़ी लेकर के आ गए हैं। ठीक है, इनके तो बजा दिया है। और एक इधर से आ रहा है, बजा दिया इसके। और इस गैस कैन को ब्लास्ट करा, एक बंदा ब्लास्ट हो गया। रुको कोई है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, निकलो इधर से। अरे यार एक और आ गया। दिक्कत किसी बात की नहीं है गाइस, इधर मेरे पास ना आरपीजी है, तो उतरोगे बेटा तुम? आधे रास्ते उतरो फिर तुम्हारे बजाने वाला हूँ। चलो निकलो इधर से। ठीक है, बचा दिया इनके अब। अरे 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 भाई इनकी तो जो प्लेन का जो भी है ना सामान वो तो पानी में गिर गया है, और पुलिस वाले भी गिर गए हैं। तो चलो अब अपने को ना जल्दी से एक आधे डोडो प्लेन में बैठना होगा, क्योंकि पुलिस आ रही है तो प्रॉब्लम हो सकती है। बस अपना बॉडी बिल्डर आ जाए। और किस में बैठे यार, मेरे को लग रहा है कि ये सही रहेगा, इसके अंदर बैठने की ट्राई करते हैं। यार ऊपर की साइड से ना बहुत ज़्यादा फायर हो रहा है, तो जिस करके मैं पानी के अंदर आ गया, तो ये जो रेड कलर का है ना इसके अंदर बैठने की ट्राई करते हैं। लेकिन एक मिनट, ओ भाई
ये पुलिस वाले क्या कर रहे हैं भाई, देख रहे हो फायर वगैरह कर रहे हैं जिस करके दो तीन प्लेन्स ब्लास्ट हो गए हैं। और बॉडी बिल्डर भाई छुप गया हो, मैं तो यही उम्मीद लगा रहा हूँ। और कहाँ पर है यार, एक मिनट, हेलीकॉप्टर को ना डाउन करना ही पड़ेगा। पहले ना पानी के बीच में से ना आगे की साइड चलता हूँ, उसके बाद इस हेलीकॉप्टर को डाउन करना पड़ेगा अपने को। यार इसकी मदद से हम लोग कैसे जाएं, रुको यार, अब जल्दी से ना अपना ना ग्रेनेड लॉन्चर अपने हाथ में है, और ठीक है इसको तो हमने ब्लास्ट कर दिया है। अब जो अपना बॉडी बिल्डर है उसको भी मैं बोल दूंगा जब इंजन कोई भी स्टार्ट हो जाएगा वो आकर के अपने प्लेन के अंदर आकर के बैठ लेगा। अब एक डोडो प्लेन के ना मेरे को लेग्स नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर बैठने की मैं ट्राई करता हूँ। बस यार नीचे से बैठ सकता हूँ क्या मैं? अरे नहीं यार, मेरे को लग रहा था कि यार ये भी ख़राब है। चलो जैसे तैसे ना मैं एक प्लेन के तो क्लोज आ चुका हूँ, अब जल्दी से ना इसके अंदर मैं बैठने की पूरी ट्राई करता हूँ। पूछो भाई स्टार्ट। ओ भाई फाइनली की स्टार्ट हो चुका है, बस इसको ना मेरे को पीछे की साइड लेकर के चलना होगा। अबे हो जा भाई हो जा, पोर्ट्स वगैरह आ गई हैं, दिक्कत हो जाएगी तगड़े वाली। नहीं तो यार इसको रिपेयर कहाँ करवाऊँगा मैं? रुको यार, अभी तो मैं ऐसे जा नहीं सकता। जो बॉडी बिल्डर है वो कहाँ पर है यार? रुको 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 गाइस, बहुत ज़्यादा बड़े वाली प्रॉब्लम हो गई है, तुम्हारे भाई का प्लेन फंस चुका है इसके अंदर। अरे नहीं यार, आग लग गई है इसमें। जल्दी से ना मैं पानी के अंदर आ गया हूँ और वो जो प्लेन था उसमें आग लग चुकी है। रुको, पहले ना एक यहाँ पर प्लेन दिखा है मेरे को, ये जो ब्लू कलर का है ना इसके अंदर बैठने की ट्राई करते हैं। और ये जो बॉडी बिल्डर है कहाँ है भाई ये? चलो गाइस इस टाइम पर मैं आकर के बैठ गया हूँ इस ब्लू वाले में, और वो रहा अपना बॉडी बिल्डर। और पुलिस वगैरह भी ना हमने अभी मिल करके मार दिए चार पांच बंदे। और आजा भाई जल्दी से आजा भाई, मैं यहाँ पर ना रुका हुआ हूँ उसके लिए। और पुलिस वाले बंदे आ रहे हैं और यहाँ पर गाड़ियाँ भी आ रही हैं। वो लोग गाइस अपने प्लेन को वापस से ब्लास्ट कर सकते हैं, और मैं नहीं चाह रहा कि अपना प्लेन ब्लास्ट हो जाए। रुको गाइस, इस टाइम पर सही रास्ता यहाँ को है ना, बहुत ज़्यादा सही, अपने को ना ठीक ठाक सा रास्ता तो मिल चुका है, बस अपना प्लेन अभी नहीं उड़ सकता यार। अभी ना अपने को इसको आगे की साइड लेकर के चलना होगा, अभी तो हम लोग इसको टेक ऑफ बिल्कुल भी नहीं करवा सकते। बस एक बार मैं आगे की साइड चल पड़ूँ ना, बाद में हम लोग इसको उड़ाएंगे। रुको यार, एक ब्रिज और आ गया है, यहाँ से इसको आगे की साइड लेकर के चलते हैं। बाकी भाई रॉबरी करी, गेट वगैरह तोड़ा, लेकिन पुलिस से हम लोग बच गए, तो यहाँ से उड़ाऊँ क्या? देखो गाइस, हम लोग ना अपने इस प्लेन को आगे की साइड लेकर के आ गए हैं, और यहाँ से ना इसको वापस से टेक ऑफ करवाना पड़ेगा जहाँ से इसको रॉबरी करी थी। तो चलो यहाँ से ना तुम्हारे भाई ने जैसे तैसे यहाँ से वापस इसको टेक ऑफ करवा दिया है। ओके तो गाइस इस टाइम पर ना हम लोग बहुत ज़्यादा आगे की साइड आ गए हैं, और हम लोग आए हैं वेस्पुची बीच के क्लोज, क्योंकि यहाँ पर फ्रैंकलिन, ट्रेवर और लेस्टर अपना वेट कर रहे हैं। और यहीं से अपने को ना अपने इस प्लेन में बिठा करके उन दोनों को यहाँ से लेकर के चलना होगा, और उस आइलैंड पर जा करके अपने को ना बस ये ट्राई करना है कि हम जैसे तैसे जा करके डगन या तो अन्ना के, उन दोनों में से किसी भी एक की गेम बजा दें। बाकी हम लोग बीच के कुछ ज़्यादा ही ऊपर नहीं आ गए हैं, और यहीं कहीं ना अपने को लेस्टर की कार नज़र आ चुकी है। ठीक है, अब जल्दी से यहाँ पर हम लोग अपने प्लेन को लैंड करवा देते हैं बहुत ज़्यादा आराम से। अरे 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 भाई, पानी में ही लैंड होने वाला ये। हो जा। बहुत ज़्यादा सही, अब अपने को इसको वापस से लेकर के चलना होगा फ्रैंकलिन, लेस्टर और ट्रेवर के पास। तो चलो गाइस यहाँ से ना हम लोग इसको वापस से लेकर के चलते हैं उनके पास। और ये मिट्टी के ऊपर नहीं चलता भाई, पीछे की साइड कर माइकल। चलो फाइनली इस टाइम पर जैसे तैसे हमने इसको रोटेट तो कर लिया है, अब हम लोग इसको भगा करके वापस से लेकर के चलते हैं। भगा करके नहीं भाई, चला करके लेकर के चलने वाले हैं। और फाइनली हम लोग इसको लेकर के पहुंच भी गए हैं अपनी डेस्टिनेशन तक। बस इसको ना यहाँ पर ही रोक देते हैं हम लोग, अब जल्दी से ना इससे अंदर से उतर जाते हैं। अरे नहीं यार, इतनी ज़्यादा परफेक्ट लैंडिंग कर रहा था और बॉडी बिल्डर भी गिरा, मैं भी गिर गया हूँ। ठीक है, अब बाकी का प्लान ये है कि अपने पास सप्रेस्ड पिस्टल तो है, हमें जा कर के उनमें से किसी भी एक की गेम बजानी है, क्योंकि डगन और अन्ना शहर से साथ ही रह रहे हैं। चलो गाइस फाइनली इस टाइम पर ना हम तीनों लोग रेडी हैं सीधा मिशन को अंजाम देने के लिए। आज तो देखो डगन तो पिटेगा ही पिटेगा, और अगर अपने को अन्ना दिख गया उसकी भी गेम कंधी में अब पचा देने वाला हूँ। तो चलो गाइस अब जल्दी से, वैसे मैंने आपको इंटीरियर नहीं दिखाया ना अपने इस चुराए हुए प्लेन का। ठीक है, इंटीरियर की बात करें, अरे नहीं यार ये मेरे साथ क्यों बैठ गया? अरे भाई इसको ज़रूरी बैठना था क्या मेरे साथ में? अब ये खुद ही छेड़ता रहेगा भाई, मेरे को कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। फ्रैंकलिन भी यहाँ पर बैठ चुका है और ट्रेवर भी यहाँ पर बैठ चुका है। अब जल्दी से यहाँ से अपने इस प्लेन को टेक ऑफ करा देता हूँ,
और बहुत ज्यादा आराम से। बाकी फ्रैंकलिन तो गिर मत जाना भाई, खतरनाक ही सीन हो जाएगा नहीं तो फ्रैंकलिन के साथ। देखो गाइस यार, इस टाइम पर हम लोग ना उस आइलैंड के बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं जहाँ पर अपने को आना था। और फिलहाल इस टाइम पर जो अपना डोडो प्लेन है वो पानी के अंदर चल रहा है। देखो अगर हम लोग कोई नॉर्मल प्लेन में आते ना तो वो बिल्कुल आसमान के ऊपर उड़ रहा होता, इस करके सबको दिख जाता दूर से, तो दिक्कत हो जाती तगड़े वाली। फिलहाल इस टाइम पर हम लोग इसको आराम आराम से ना लेकर के इस आइलैंड के क्लोज तो पहुंच गए हैं। और देखो गाइस यहाँ पर राइट साइड में ना भाई बहुत ज़्यादा लाइटें वगैरह लगी हैं और यहाँ पर ना एक अलग ही दुनिया मेरे को नज़र आ रही है। फिलहाल इस टाइम पर मेरे को लग रहा है ना आगे की साइड मेरे को ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, तो ठीक है अब जल्दी से ना तुम सब के साथ उतर जाओ प्लेन से। डोडो प्लेन अपना यहीं कहीं घूमता रहेगा पानी में, हम लोग इसको बाद में ले लेंगे। फाइनली इस टाइम पर ट्रेवर, फ्रैंकलिन और मैं हम लोग ना एक किनारे तक तो पहुँच चुके हैं, बाकी इंजन शांत हो चुका है तो बहुत ज़्यादा सही। अब जल्दी से इसके ऊपर अपने को चढ़ने की ट्राई करनी होगी, लेकिन एक मिनट, लकड़ी का कुछ एक तो चीज़ है। अब जल्दी से ना मैं इसके ऊपर तो चढ़ चुका हूँ, चलो मैं तो आ गया हूँ, बाकी ट्रेवर भी सामने की साइड से आ रहा है, फ्रैंकलिन भी सामने की साइड से आ रहा है। बाकी गाइस अपने पास ना सप्रेस्ड पिस्टल अपने तीनों के पास ही है, तो आ जाओ जल्दी से। यहाँ से तो चढ़ने का बिल्कुल भी रास्ता मिला ही नहीं मेरे को, और आगे एक ब्रिज टाइप है, मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ से जा करके मैं अंदर की साइड एंटर हो सकता हूँ। ये लोग ना शायद से यहाँ से ये जेट्स की वगैरह ना इसको उतारा करते हैं। तो चलो फाइनली इस टाइम पर मैं पहुँच तो गया हूँ, अब मेरे को ना पूरा अलर्ट होकर के आगे की साइड बढ़ना चाहिए। लेकिन एक मिनट, अरे इनको मेरा डोडो प्लेन अगर दिख भी रहा होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये एक पानी वाला एरिया है तो यहाँ पर सब कुछ ऐसा आता जाता होगा। और यहाँ एक बार नज़र मारो गाइस, दो बंदे हैं, मतलब दो इधर की साइड हैं तो उसकी साइड है। देखो गाइस इस टाइम पर ना ये जो चार बंदे थे ये उस डोडो प्लेन को ही देख रहे हैं जो अपना प्लेन है, और एक बंदा तो ना इधर उधर चेक करता करता यहाँ आकर के खड़ा हो चुका है। और इनको मैंने बोल दिया कि तुम दोनों लोग ना इस टाइम पर फिलहाल साइलेंट रहो, मेरे को करने दो भाई जो करना है। तो चलो ये वो बंदा है, मैं ना इसकी एक जल्दी से बजा देता हूँ। तो चलो मैंने इस बंदे के तो बजा दिया है, बाकियों का शायद से मेरी तरफ मुंह नहीं है, नहीं तो अभी तक तो ये मेरे ऊपर फायर करना शुरू कर देते। तो इसकी गन यहाँ पड़ी है, बाद में कोई और उठा लेगा, तो मेरे को भी ना चल लेना चाहिए। बाकी पीछे के साइड देख रहे हो, इन्होंने पूरा शहर बना रखा है, तो बंदे बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, तो रुको और इसकी ना गेम बजानी पड़ेगी। तो चल निकल इधर से और मर जा इधर, ठीक है गाइस। बहुत ज़्यादा साइलेंट तरीके से मैंने इन दोनों बंदों को मार दिया है। अब बाकी बात रही इन दोनों की, इनको भी ना जल्दी से ख़त्म कर देता हूँ। और ये देख रहे हो गाइस ये दोनों बंदे हैं, एक बार मैं इनके क्लोज चलता हूँ जल्दी से, ठीक है। बहुत ज़्यादा आराम से मैंने दोनों को तो निपटा दिया है, अब ये दो रह गए हैं, इनकी भी मैं गेम बजा देता हूँ। पहले ना मैं आराम से चल करके पूरा कवर में आ जाता हूँ इधर, तो ठीक है बहुत ज़्यादा सही। पहले मैं इसके बचाऊँ कि इसके बचाऊँ, तो पहले जिसके गन है ना, चलो दोनों निकलो इधर से। बहुत ज़्यादा सही यार, बहुत ज़्यादा साइलेंट तरीके से मैंने इनकी गेम तो बचा दिया है, और वो रहा अपना बेचारा डोडो प्लेन, वो जा रहा है। फिलहाल ना मेरे को लग रहा है कि ना अपने को आगे जाने के लिए इनके कपड़े चाहिए होंगे, वो शुक्र करो इनके मास्क वगैरह हैं तो दिक्कत नहीं आने वाली। तो तीन ना हम लोग कपड़े उठा लेते हैं, बाकी इनकी गन्स वगैरह उठा लेते हैं, और ये जो जीप है इसमें बैठ करके आगे की साइड चलते हैं। फिलहाल इस टाइम पर मैंने उनको इशारा तो कर दिया है, वो दोनों लोग भी यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। फिलहाल फ्रैंकलिन भी ना कपड़े वगैरह उसके शहर से उठाने की ट्राई कर रहा है, तो चल ट्रेवर आ जा भाई अब जल्दी से ना गाइस, हमें क्या काम करना है, इनके कपड़े उतारने हैं और इनकी जो बॉडी है उनको बीच में फेंक देना पानी के, शार्क्स वगैरह इनको खा जाएंगी तो गेम तो शार्क ही इनकी बजा देंगे। तो ट्रेवर मेरी बात सुन ले, बात कुछ ऐसी है, अभी ना कुछ भी मत करना जब तक मैं तेरे को कोई भी इशारा ना कर दूँ। आ जा भाई फ्रैंक, अरे यार फ्रैंकलिन पानी के बीच में गिर चुका है, तो चलो तैरने का मूड होगा बेचारा, आ जाएगा ऊपर। अब अपने को ना गाइस यहाँ का अंदर जाना होगा, चलो गाइस यहाँ पर एक बार ध्यान से देखो, फ्रैंकलिन ट्रेवर और माइकल ने हम तीनों ने आउटफिट डाल लिया है, अब हम तीनों लोग रेडी हैं अंदर जाने के लिए। और बाकी अगर किसी को भी शक हो गया अपने ऊपर तो समझ लो आज अपनी गेम बजने से कोई भी नहीं रोक सकता। एक तो हम लोग आए उनके एरिया में है, और बाकी यार यहाँ पर ना मेरे को ना अपनी गाड़ी की लाइट वगैरह ऑन कर लेनी चाहिए, क्योंकि ना गाइस खतरा हो सकता है आगे की साइड कहीं पर भी। फिलहाल इस एरिया में मेरे को बहुत ज़्यादा शांति लग रही है यार। देखो गाइस मैं पूरा राउंड मार करके पीछे की साइड आ गया हूँ, और ये जो आइलैंड है सही में बहुत ज़्यादा बड़ा है,
और अब इस साइड पर चलते हैं, यहाँ पर मैं नहीं गया हूँ, लेकिन एक मिनट, ओ भाई आपने भी वही देखा क्या जो मैंने देखा? यार यहाँ पर टैंक्स वगैरह खड़े हुए हैं, तो मेरे को ना नॉर्मल ड्राइव करना होगा। और एक बार राइट साइड में नजर मारो गाइस, एक टैंक खड़ा है और यहाँ पर कई सारे व्हीकल्स खड़े हैं। भाई नहीं, एक टैंक नहीं खड़ा है, यहाँ पर दो दो टैंक्स खड़े हुए हैं। ओ भाई दिक्कत हो जाएगी अगर इनको शक हो गया ना अपने ऊपर। तो एक काम करता हूँ, तुम लोग भाई यहाँ पर ही खड़े रहो, मेरे को ना अंदर की साइड जाने दो, मैं ना चल करके एक बार ऐसे कहता हूँ, रिस्क ले करके देखते हैं कि मेरे को ना बॉस से बात करनी है। तुम लोग यहीं कहीं रहो भाई, अगर कुछ भी इमरजेंसी की बात हुई तो देखो गाइस लड़ाई यहाँ पर डायरेक्टली स्टार्ट हो जाएगी। और ये एक मेरे को लग रहा है ना अलग बढ़िया तरीके से एक मेंशन बनाया हुआ है, जिसके ऊपर एक लिबर्टी का स्टैचू है। और अब मेरे को अंदर जाना पड़ेगा, यार जाना ही है यार, डगन को देखना है, अन्ना को देखना है। तो एक बार ना इससे पूछ क्यों रहा हूँ यार, मैं तो खुद ही नहीं की टीम का हूँ, तो मैं तो डायरेक्ट जा सकता हूँ ना। तो चलो गाइस अब जल्दी से ना मेरे को अंदर की साइड चल लेना चाहिए। और फाइनली मैं अंदर आ ही गया हूँ, और सही में गाइस बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी इधर। तो चलो अब जल्दी से ना मैं भी ना चुपचाप से ऊपर की साइड चलता हूँ। और बाकी गाइस इस टाइम पर जो गन लेकर के आया हूँ ना मैं, सप्रेस्ड वाली, मेरे को लग रहा है वो बिल्कुल भी काम नहीं आने वाली है। और किस वाले रास्ते से चलूँ मैं? चलो इस वाले रास्ते से चलता हूँ। और कोई तो अंदर आया है, मेरे को लग रहा है फ्रैंकलिन या तो ट्रेवर अंदर आया है। अब अरे भाई ऊपर की साइड भी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, और मेरे को लग रहा था कि ये एक रूम होगा, लेकिन नहीं गाइज ये तो रूम ही नहीं है, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा बंदे खड़े हुए हैं। इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी क्यों है यार इधर, मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। मैं भी ना चुपचाप से यहाँ पोजिशन ले लेता हूँ। एक मिनट देखो गाइज ऊपर की साइड, ये तो डगन बॉस है। अबे यार ये इसका मेंशन है यार इधर, अन्ना भी यहीं कहीं होगा। मन तो कर रहा है कि गन निकाल करके एक बजा दूं। और ऊपर की साइड गाइस ध्यान से देखो, ये रहा डगन बॉस। लेकिन मैं मजबूर हूँ गाइस, अगर मैंने मार दिया ना एक आधा, देखो हेड तो मिस हो सकता है क्योंकि ना इनके बीच में खड़ा हूँ मैं, अगर लग भी गया ना हेड डगन के तो वो तो मरेगा, लेकिन उसके साथ मैं भी मरूंगा। इनके हाथ में एक बार पिस्टल्स वगैरह नहीं है, इनके हाथ में मशीन गन्स हैं। तो चुपचाप गाइस मेरे को एक काम कर लेना चाहिए, जैसे आया हो ना वैसे अभी नीचे की साइड चलता हूँ और वापस से ना ट्रेवर फ्रैंकलिन से बात करके देखता हूँ। मैं ना कुछ ज़्यादा इधर हरकत ना कर दूँ तो इनको मेरे ऊपर डायरेक्ट ही शक हो जाए। पहले मैं एक काम करता हूँ, पीछे की साइड से ना एक बार चेक कर लेता हूँ ये सही में डगन है कि नहीं। एक बार ना जल्दी से मेरे को ऊपर की साइड चल लेना चाहिए, बाकी ना शायद से ना ये लोग अपने को नहीं बोलने वाले कुछ पे, क्योंकि हम लोग इनकी सिक्योरिटी के बंदे हैं। देखो गाइस डगन जस्ट मेरे बिल्कुल सामने की साइड है, और पीछे की साइड एक डोर है ना, वहाँ पर शायद से अन्ना हो सकता है, इनका ये रूम हो सकता है। ये खड़ा डगन, मैं जस्ट डगन के बिल्कुल साथ में ही खड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं चाह कर भी कुछ भी नहीं कर सकता। अरे यार रुको, मेरे को ना अभी जैसे मैं आया हूँ ना वैसे नीचे की साइड चल लेना चाहिए। और अरे भाई जेल से निकलने के बाद अब ये जा कर के मेरे को नज़र आया। रुको अब मैं ना एक काम कर लेता हूँ, जल्दी से फ्रैंकलिन और ट्रेवर के पास चलता हूँ और चल करके ना उनसे बातचीत करता हूँ कि तुम बताओ यार अब हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम तीनों लोग आए हैं, मैं अकेला अपना दिमाग नहीं दौड़ाने वाला गाइस, क्योंकि तीनों की मर्जी से ही सब कुछ होने वाला है। तो चलो अब अरे यार उनको मैं पहचानूँ कैसे, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा यार मैं उनको कैसे पहचानूँ। रुको अब जल्दी से ना मैं पहाड़ की साइड चलता हूँ, शायद से वो लोग बाहर की साइड ही मेरा वेट कर रहे होंगे जहाँ पर मैं उन्हें भूल कर गया था कि मेरा वेट करना। ऐसे गाइस ये वो ही दोनों लोग हैं, तो एक काम करता हूँ कि मेरे को ना देख करके आ गए हैं, बाकी मेरे को इनकी पहचान नहीं है गाइस, ये सही में वही है कि कोई और है। तो एक काम करते हैं जल्दी से ना वापस इस जीप में बैठते हैं और जहाँ से हम लोग आए थे वहीं पर वापस से चलते हैं। तो एक काम करता हूँ जल्दी से ना यहाँ पर रिवर्स कर लेता हूँ मैं जीप को, आ जा भाई बैठ जल्दी से, बाकी मेरे को लग रहा है ना ये लोग अपने को कुछ भी नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी तो फिलहाल हम लोग इन्हीं के टीम के लग रहे हैं। रुको मैं ना इस वाली साइड से चलता हूँ, तो जल्दी से ना भगा करके आगे की साइड चल लेना होगा, बाकी मैं जिस रास्ते पर जा रहा हूँ बिल्कुल सही रास्ता है क्या ये? अरे यार मेरे को लग रहा है उनको शक तो हो गया होगा मेरे ऊपर, बाकी कुछ भी नहीं कर सकते यार। फिलहाल इस टाइम पर ना मैं अपनी गाड़ी को लेकर के यहाँ पर पहुँच गया हूँ, उनसे थोड़ा सा दूर आ गया हूँ। देखो जेट्स की इधर है, भागने को अभी के अभी हम लोग भाग सकते हैं, लेकिन गाइस डगन है
उसको मारे बिना मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। अपने को एक काम करना पड़ेगा, ट्रेवर तो बोल रहा है कि अभी चल करके उनकी गेम बजाते हैं। तो ठीक है गाइज, अब जल्दी से हम लोग एक काम ही कर लेते हैं, अपने ना गन्स वगैरह निकालते हैं और टगन की ना चल करके गेम बजा देते हैं। बाकी देखा जाएगा यार जो भी होगा। फिलहाल इस टाइम पर मैं तो पूरा फुल रेडी हूँ, फ्रैंकलिन और ट्रेवर भी पूरे रेडी हैं। फिलहाल तो गाइज मैं तो पूरा यहाँ पर फुल रेडी हूँ, फ्रैंकलिन और ट्रेवर भी फुल रेडी हैं। तो हम लोग ना अगली वाली वीडियो में डगन बॉस की पूरी गेम बजा देंगे, मजा बहुत ज्यादा आएगा। तो जल्दी से ना गाइस अगली वीडियो का वेट करना और सब्सक्राइब करो चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है। तो मिलते हैं बहुत ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल।